अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो गाड़ी आपके लिए लेके आया हूँ वो है टोयोटा करोला अल्टस का 2016 मॉडल। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी मिलता रहे। तो दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आपको गाड़ी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके मॉडल की बात कर लेते हैं। ये गाड़ी 2016 मॉडल है और 2017 के नंबर से रजिस्टर्ड है, जो कि लाहौर के नंबर से रजिस्टर्ड है। ये टोयोटा करोला अल्टस 1.6 यानी कि 1600 सीसी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में गाड़ी मौजूद है। जिस भाई ने खरीदनी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इस गाड़ी की ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है। अगर हम इस गाड़ी की इंजन कैपेसिटी की बात करते हैं तो इस गाड़ी की इंजन कैपेसिटी 1.6 यानी कि 1600 सीसी में ये गाड़ी आती है। गाड़ी बम्पर टू बम्पर जेन्युइन हालत में है, इसका इंजन भी सील बाय सील जेन्युइन हालत में है। कलर वाइज गाड़ी में किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है, कलर वाइज गाड़ी का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो शावर्ड हो। गाड़ी बिल्कुल ओरिजिनल कलर में मौजूद है। जिस भाई ने खरीदनी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस लिंक के जरिए खरीद सकते हैं आप। दोस्तों, ये गाड़ी बहुत साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। अगर इस गाड़ी के ड्राइव की बात करते हैं तो ये 59,000 किलोमीटर तक चल चुकी है। कंडीशन की बात करते हैं तो यूज कंडीशन में है, लाइक ए न्यू कार है। अगर फ्यूल टाइप की बात करते हैं तो ये गाड़ी पेट्रोल पर है। ये गाड़ी काफ़ी अच्छी हालत में मौजूद है। जिस भाई को चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस लिंक के जरिए बाय कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, गाड़ी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अगर हम इसकी हेडलाइट्स के बारे में बात करते हैं तो नीट एंड क्लीन है। बैक लाइट्स भी नीट एंड क्लीन और साफ सुथरी हालत में देखने को मिल जाती हैं। हेडलाइट्स पे कोई भी खराश वगैरह नहीं है, हेडलाइट्स बिल्कुल साफ सुथरी हालत में मौजूद हैं। तकरीबन अंदर से भी गाड़ी बिल्कुल साफ और नीट एंड क्लीन और साफ सुथरी हालत में है। अगर सीट्स के बारे में बात करते हैं तो सीट्स भी नीट एंड क्लीन और साफ सुथरी हालत में देखने को मिल जाती हैं। अगर इस गाड़ी की इंजन कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये गाड़ी 1600 सीसी में आती है। इस गाड़ी में न्यू बैटरी इंस्टॉल्ड है, गाड़ी में न्यू अलॉयज इंस्टॉल्ड हैं जो कि गाड़ी की खूबसूरती और परफॉर्मेंस में मजीद इजाफा करते हैं। गाड़ी में एलसीडी भी देखने को मिल जाती है इंफोटेनमेंट के लिए। अगर हम गाड़ी की बैक साइड से मुआयना करते हैं तो गाड़ी में किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है, गाड़ी नीट एंड क्लीन और साफ सुथरी हालत में मौजूद है। कलर वाइज गाड़ी में किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है, आउट क्लास कलर में गाड़ी मौजूद है, ब्लैक कलर में गाड़ी है। अगर जिस भाई ने यह गाड़ी खरीदनी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस लिंक के जरिए आप इस गाड़ी को बाय कर सकते हैं। बाकी ये गाड़ी नीट एंड क्लीन और साफ सुथरी हालत में देखने को मिल रही है। जिस भाई ने खरीदनी है जल्द अज जल्द खरीद सकता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, गाड़ी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। ये गाड़ी बहुत खूबसूरत हालत में मौजूद है, साइड मिरर भी नीट एंड क्लीन है, अंदर से भी गाड़ी तकरीबन बिल्कुल साफ सुथरी हालत में मौजूद है, टायर्स भी 100% जेन्युइन हालत में मौजूद हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी और वीडियोज़ मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।